नगर सिटी के करीब बेलूर पार्टी क्रॉस के पास ऑनलाइन सीएनजी गैस स्टेशन सिर्फ डिस्ट्रिक्ट वाइज सप्लाई किया जाता था। लेकिन 3 दिन पहले गुलबर्गा न्यूज में एक न्यूज हम लोगों ने चलाई थी जहां पर गैस सीएनजी के लिए काफी इश्यूज चल रहे थे, उसी के बीच चलते आज ये प्रॉब्लम सॉल्व होती नजर आ रही है। आज ऑनलाइन सीएनजी गैस स्टेशन ने ऑटो और कार के लिए भी चालू कर दिया गया है। ये तल्ला आरिफ बाबा सोशल एक्टिविस्ट ने दी है। हमारी न्यूज पब्लिश होते ही डीसी मैडम ने सीएनजी के हेड से बात कर सीएनजी स्टेशन में ऑटो और कार के लिए सीएनजी फिल करना चालू करा दिया गया है। गुलबर्गा न्यूज का शुक्रिया अदा करते आरिफ बाबा ने क्या बात की है, क्या बाइट दिया है, आइए सुनते हैं। बारो भाई नहीं तो बा अस्सलामुअलैकुम आदाब नमस्ते। जैसे कि हम मौजूद हैं अब सीएनजी ऑनलाइन पंप पे रहने की वजह क्या है, आज जो है ये पंप जो है शहरवासियों को जो है इसकी शुरुआत मिल गई, जो है अभी जो है ओपनिंग हो गई, हमने जो है गैस डाले हैं। तमाम शहर के ऑटो वाले, टू व्हीलर वाले और कार वालों से गुजारिश है कि ये पंप चालू हो गया है, 24 आवर चालू है, जो है आप आकर जो है यहाँ पर आपकी सहूलत के हिसाब से गैस डाल लेते हैं। तो इसमें जो है इससे पहले जो हम गुलबर्गा न्यूज़ का तहे दिल से शुक्र गुजार हैं, जो उनकी न्यूज़ चलाने के बाद में जो है यहाँ की परमिशन की जो है नागपुर से इसकी परमिशन मिली जो है हमारे गुलबर्गा डीसी मैडम जो है इसकी परमिशन तो बहुत पहले दिए थे, मगर जो है अब जो है इसको नागपुर से परमिशन आने के बाद में जो है ये चालू हो गया। तो गुलबर्गा डीसी मैडम और नागपुर के जो हेड है उनसे सीएनजी के प्लांट के उनसे उनको तहे दिल से हम जो है शुक्रिया कहते हैं, क्योंकि बहुत दिन से हमको काफ़ी परेशानी हो रही थी गैस की सीएनजी की। तो उस हिसाब से जो है ये यहाँ पर 4 मशीन जो है गैस को जो है यहाँ पर गाड़ियों को ठहरने का जो है ये नहीं इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा, तो जो है कंटिन्यू जो है यहाँ पर डालकर गैस को भेजेंगे। तो उस हिसाब से जो है तमाम शहरियों को और एक बार दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, हमारी समस्या यहाँ पर दूर हो गई।